एयरपोर्ट स्कीम, ये उड़ान योजना जो है सरकार की, ये एक तरह से रिवॉल्यूशन है कि लोगों को फास्ट करने के लिए। अभी ये जो एयरपोर्ट है इसी अच्छा वहाँ पे बेंगलोर में तो रेलवे स्टेशन है। अभी मैं बिहार के उत्तरी इलाके में मौजूद हूँ, ये दरभंगा का इलाका है और अभी हम दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। यहाँ आने का हमारा जो मकसद है वो ये समझना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद जब रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज यानी कि उड़ान स्कीम शुरू हुई तो उसमें छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे शहरों में जो है एयरपोर्ट्स खुलने शुरू हुए, तो उससे उन शहरों की इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ा, कौन लोग हैं जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से शहर की जो आबो हवा है, जो शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर की जो तासीर है, उसमें क्या कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है, तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम दरभंगा आए हैं और यहाँ के बाद देवघर भी जाके समझेंगे कि वहाँ के एयरपोर्ट बनने के बाद शहर में किस तरीके के बदलाव नज़र आए। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस यानी कि उड़ान योजना शुरू की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। इस योजना का लक्ष्य देश के दूर सुदूर के हिस्सों को हवाई सेवा से जोड़ना था। बहुत पहले हमारी सोच ये बनी थी कि हवाई यात्रा ने ये राजा महाराजाओं का ही विषय है, कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। और आज ये संभव हो रहा है। उड़ान योजना के तहत कई छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट तो बने लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर इनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हालांकि हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम ही नज़र आती है। उत्तर बिहार के दरभंगा जिले में 2020 में डिफेंस एयरपोर्ट को ही नागरिकों के लिए शुरू कर दिया गया। बीते 3 सालों में यहाँ से कई लाख लोग सफ़र कर चुके हैं लेकिन सुविधाएँ नदारद हैं। मैं अभी दरभंगा एयरपोर्ट के पास हूँ और यहाँ पर कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो कि यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं बेंगलोर की तरफ, तो हम इनसे जानेंगे कि इस एयरपोर्ट पे किस तरीके का इनका अनुभव रहा है पहले और यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं इनको और चाहिए, इनको क्या लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितेश चौधरी है। अच्छा, और आपका? अभिषेक कुमार। तो नितेश जी, यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है कि इस एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो आ रहा है रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज में इस एयरपोर्ट पे आ रहा है, तो किस तरीके की सुविधाएं की और जरूरत है और आपका अनुभव पहले कैसा रहा है? मैं पहली बार आया था तो ये पूरा मतलब खाली खाली था, मतलब कुछ भी नहीं था और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है। यहाँ पर गैप होना चाहिए, मतलब ये पूरा और आगे तक गैप देना चाहिए गाड़ी को पार्किंग के लिए। यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह भी नहीं है और अंदर कुछ उतना फैसिलिटी भी नहीं है जितना सोचा जाए। और आप आए कहाँ से हैं? हम आए मोतिहारी जिले से। तो यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट के जो ट्रैफिक है, यहाँ के 5-7 जो जिले हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर ट्रेवल के लिए आते हैं और दूर दूर की जगहों पर जाते हैं। मोदी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उड़ान योजना के तहत अब तक 130 लाख से ज़्यादा यात्री सफ़र कर चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डोमेस्टिक ट्रैफिक के आंकड़े बताते हैं कि 2014 की तुलना में नवंबर 2023 तक एयर ट्रैफिक में 120% की बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस में ग्रोथ हुई है। जैसे हम अगर यातायात की बात करें तो इस क्षेत्र में पहले सिर्फ और सिर्फ बस स्टैंड हुआ करते थे और एयरपोर्ट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टैक्सी व्यवसाय में हो, चाहे होटल इंडस्ट्री में हो, चाहे रियल एस्टेट के व्यापार हो, चाहे अन्य क्षेत्र के बिजनेस हो, उस समय काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुई है क्योंकि कनेक्टिविटी लोगों को मिल जाने के बाद एक सहूलियतें होती है। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट मार्क मार्टिन बताते हैं कि उड़ान योजना एक राजनीतिक हथकंडा है। इस योजना की स्थिरता बहुत कम है। इसे राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित तो किया गया था, इसे एक विफलता ही कहा जा सकता है। मार्टिन मानते हैं कि हवाई अड्डे के खुलने से कई अवसर पैदा होते हैं लेकिन बुनियादी ढांचे का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उड़ान योजना के बुनियादी सिद्धांत ही दोषपूर्ण है। मोतिहारी से कितने घंटे का आप ट्रेवल करके आए हैं? हम लोग 2-3 घंटा हो चुका है। अच्छा, और आपका अनुभव किस तरीके का रहा है यहाँ पर? पहली बार आए थे तो ठीक ही है, हम लोग ज्यादा दूर से आए। पहले तो हम लोग को पटना जाना रहता था, ज्ञान मोहन एयरपोर्ट भी नहीं है, दूसरी का
और यहाँ पर भी उतना फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो अभी टू लाइन ही है, यहाँ पर फोर लाइन बनाना चाहिए और पार्किंग का भी पूरा जगह देना चाहिए। अभी ये जो एयरपोर्ट है इसी अच्छा, वहाँ पर बेंगलोर में तो रेलवे स्टेशन है SMBT बहुत ज़्यादा हाईफाई है, यहाँ पे उतना फैसिलिटी नहीं है और दिक्कत भी बहुत होती है यहाँ पर। यहाँ पर टाइमिंग भी कभी भी एयर चेंज हो जाता है, तो इस तरीके की दिक्कतें रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज में दरभंगा एयरपोर्ट पे महसूस की जा सकती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है और जो सुविधाएं यहाँ पर एमिनिटीज़ पब्लिक को मिलनी चाहिए वो भी यहाँ पर कम है। केंद्र सरकार की एक योजना रही है उड़ान स्कीम, इसके तहत उनका लक्ष्य था नरेंद्र मोदी सरकार का कि जो हवाई चप्पल वाला व्यक्ति है वो भी हवाई जहाज से उड़ान भर सके। इसके लिए उड़ान स्कीम देश में लागू की गई और छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट खुलने शुरू हुए, लेकिन इन एयरपोर्ट्स खुलने से उन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में भी काफ़ी तेजी देखने को मिली। इसमें रियल स्टेट्स को लेकर काफ़ी बूम देखने को मिला, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बूम देखने को मिला, वहीं कुछ जगह स्वास्थ्य सेवाओं में भी इसमें बूम देखने को मिला कि बाहर से डॉक्टर भी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से उन शहरों में इलाज के लिए आने लगे। लेकिन जब दरभंगा में हमने इसकी जमीनी पड़ताल की, उसमें हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में ही 15 से ज्यादा रियल स्टेट कंपनीज हैं वो नई खुली हैं और वो लोगों को एयरपोर्ट के आसपास के 4-5-6 किलोमीटर के रेंज में अच्छे घर देने के वादे कर रहे हैं। दरभंगा के लोगों के लिए एयरपोर्ट अब एक लैंडमार्क बन चुका है। जिस जगह हवाई अड्डा है, कुछ साल पहले तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब नए होटल्स, छोटी छोटी दुकानों से ये पूरा इलाका गुलजार हो चुका है। मैंने ये कैफे अभी 3 महीने पहले खोला, यहाँ पे मैंने देखा रेस्टोरेंट का है स्कोप है, क्योंकि जब से एयरपोर्ट आई है यहाँ आसपास में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था। यहाँ लोग जैसे कस्टमर आए बिफोर आ गए, टाइम से बिफोर आए, दूर के कस्टमर जैसे नेपाल के हैं, ये दूर दूर के हैं तो उन लोग को असुविधा हो रही थी, उस चलते मैंने यहाँ रेस्टोरेंट खोला और एयरपोर्ट के कस्टमर को बहुत ही सुविधा हो रही है इससे, और इससे बिजनेस भी होटल लाइन का ग्रोथ हो रहा है। एयरपोर्ट बनने से जमीनों के दाम आसमान छूने लगे हैं, नए वेयरहाउस से लेकर नई टाउनशिप्स शहर में तैयार हो रही हैं, जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ा रही है। मैं भी दरभंगा में हूँ और मेरे साथ मौजूद है राजन ठाकुर, ये यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तो एयरपोर्ट के बनने के बाद दरभंगा में और इसके आसपास के इलाकों में जो है रियल एस्टेट का भी बूम देखा गया, तो हम जानेंगे कि किस तरीके के लोग जो है वो उन्होंने यहाँ पर ज़मीनें खरीदनी कोशिश की पिछले कुछ सालों में और किस तरीके से यहाँ का रियल एस्टेट जो है वो बूम हुआ है। सर, हम ये आपसे जानेंगे रियल एस्टेट के बिजनेस में एयरपोर्ट का कितना फर्क पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ आमस एक्सप्रेसवे, दरभंगा एम्स और जो फोर लाइन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये सब चीज़ जो है मायने रखता है रियल एस्टेट बिजनेस में जी। खास करके यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रियल एस्टेट जो है समझिए कि एक इन्वेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका मिल गया है। मौका ये है कि एयरपोर्ट हो जाने से दरभंगा के इस क्षेत्र में, खास करके जहाँ ये फोर लाइन पर जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं, इस जगह पर बहुत मतलब सारा कनेक्टिविटी यहाँ मिल रहा है। एयरपोर्ट हो जाने से क्या हो गया है कि यातायात के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या मेडिसिन के क्षेत्र में हो, जैसे मान लीजिए कोई अगर बीमार भी पड़ गए तो उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हो जाती है, जिसके कारण कि यहाँ पर लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। और ज़मीन के दाम में पिछले मतलब एयरपोर्ट से पहले और एयरपोर्ट के बाद ज़मीन के दामों पर कितना असर पड़ा है? ज़मीन का दाम तो समझिए कि अभी 2 साल में इतना ज़्यादा हाई हो गया है, मात्र 2 साल में यहाँ दोगुना हो गया है ज़मीन का दाम। और एयरपोर्ट का जो न्यू टर्मिनल बन जाएगा, जब नया लुक में एयरपोर्ट दिखेगा, आमस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी, एम्स दरभंगा जो अभी चल रहा है एम्स अगर बन गया तो फिर साल भर में दोगुना होगा या 2 साल में होगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं है। और रियल एस्टेट के व्यवसाय में एयरपोर्ट को आने के बाद से दरभंगा बिहार के रियल एस्टेट के ज़िलों में एक गिनती में आने लगी है। आप अगर बिहार में रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े ज़िले के नाम लेंगे तो दरभंगा को निश्चित तौर पे आपको रखना होगा। यहाँ बेसिकली 15 से 20 कंपनियाँ काम कर रही हैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में। दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर लिट्टी चोखा से लेकर छोले भटूरे तक की दुकानें हैं।
अक्सर यहाँ की फ्लाइट देरी से ही चलती है। ऐसे में यात्री इन्हीं छोटे खोमचों पर खाना खाते हैं। वहीं कैब सर्विस कंपनियों को भी एयरपोर्ट से काफ़ी लाभ पहुँच रहा है। कहाँ कहाँ से आते हैं यात्री? वैसे तो इतना है पता कि मधुबनी जिला और दरभंगा जिला, जयनगर, सीतामढ़ी, सारे जहाँ से देखने को मिलते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट आने से दो फायदा हुआ है। पहला फायदा ये हुआ है, जो लोग बाहर रहते थे आउट ऑफ इंडिया या मेट्रो सिटी में, वो दो साल तीन साल पे एक बार अपने गांव आते थे, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट आने के बाद लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में जो सुविधा मिली, टाइम जो लोगों का पहले वेस्ट जाता था, पटना आया, पटना से 7-8 घंटा का टैक्सी का जर्नी होता था, फिर घर पहुंचना, वो एक बहुत टफ टास्क होता था लोगों के लिए। तो ये लोग जो बिहार के इकोनॉमी में एक योगदान दे सकते थे, ये लोग टाइम के कारण बिहार आना नहीं चाहते थे, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट आने के बाद लोग अपने घर के तरफ साल में एक बार या दो बार जरूर आना चाह रहे हैं। तो हम लोग भी देख रहे हैं, जहां जहां एयरपोर्ट बन रही है, दरभंगा एयरपोर्ट बनी तो टैक्सी का यूजर बढ़ा, क्योंकि लोगों को लाइफ स्टाइल लोग बदलते रहते हैं, मतलब उनका जो अर्निंग है उसके हिसाब से लाइफ स्टाइल वो अपना शिफ्ट करते रहते हैं। तो जो लोग प्लेन से ट्रेवल करने लगे हैं ना, वो टैक्सी को यूज करना शुरू कर चुके हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे यूजर के साथ मिले हैं, बात किए हैं, उनसे उनका ओपिनियन जाने हैं, जो बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो हमारी रोडवेज टैक्सी यूज कर रही है। ये इसलिए कि हमारी टैक्सी भी सस्ती है और एयरपोर्ट उसके आसपास आ गई है, और उनको लगता है जो हम भी टाइम को बचा सकते हैं। तो मेरा मानना है जो टाइम से बड़ा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है इस संसार में। छोटे शहरों के एयरपोर्ट पर टिकट के दाम अक्सर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जिस कारण पीएम मोदी के हवाई चप्पल वाले व्यक्ति को हवाई जहाज की यात्रा करवाने का वादा कहीं पीछे छूटता नज़र आता है। छठ और शादियों के सीज़न में दरभंगा आने का किराया 15,000 से 20,000 तक पहुंच जाता है। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि यहाँ के जो आम लोग हैं वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा से यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूज इन सेंस ये हुआ, जो मतलब कि वो इनके फेयर जो किराया है यहाँ का, वो इनके बस की बात नहीं है पे करना। तो निश्चित तौर पे यहाँ बिजनेस क्लास के लोग या जो अच्छे पे स्केल वाले लोग, कर्मचारी हैं जो अच्छे जॉब में हैं, जिनका सैलरी अच्छा है, वही लोग इस चीज़ इसको इनको उपयोग में लाते हैं। और परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 80-20 का परसेंटेज है। 80% काफ़ी पैसे वाले लोग ही यात्रा करते हैं, 20% लोग को कभी शौक से हो, चाहे इमरजेंसी में हो, इस तरह से यात्रा कर पाते हैं। बहुत कम ही रीजनल एयरपोर्ट्स हैं जहां यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। कैग ने 2023 में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उड़ान योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए थे और इसे बेहतर करने की सिफारिशें की थी। छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट्स को लेकर राजनीतिक आंदोलनों का भी योगदान रहा है, चाहे वो दरभंगा हो या फिर झारखंड का देवघर एयरपोर्ट, जिसके लिए सांसद निशिकांत दुबे दो दशकों से लगे हुए थे। जी, दरभंगा एयरपोर्ट की मुहिम को हम लोगों ने 2012 में शुरू किया था, और ये मांग तो बहुत पहले से की जा रही थी कि दरभंगा में एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन 2012 में हम लोगों ने, कई सारे यूथ थे, कई सारे युवा थे, हम लोगों ने मिलकर इस अभियान में, इससे पहले जो मांग हो रहा था वो अनऑर्गेनाइज था, किसी के मन में आया तो किसी ने पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे लिख दिया। जो हम लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में जो प्रयास किया था, उसका आंदोलन किया था, उसका ये फायदा एक ये हुआ था कि लोगों में क्रेज भी आ गया था कि भाई दरभंगा से एयरपोर्ट खुलेगा तो हम यात्रा करेंगे। तो विमानन कंपनी जो है स्पाइसजेट ने अपना सर्वे किया होगा, उन्हें सर्वे में पॉजिटिव फीडबैक मिला होगा कि अगर हम यहाँ से टेंडर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान नहीं होगा। बीते सालों में कई रूट्स पर एयरलाइंस कंपनियों ने सर्विस देना बंद कर दिया है। जानकार इसका कारण पैसेंजर लोड कम होने और ऑपरेशनल चुनौतियों को बताते हैं। इसे देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नीति में बदलाव करते हुए छोटे एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। हालांकि मोदी सरकार अब तक उड़ान योजना के 5 वर्जन्स ला चुकी हैं और इस योजना का बजट 2023-24 में 1244 करोड़ रुपए था। फिलहाल 13 एयरलाइंस कंपनियां उड़ान योजना के तहत सर्विसेज दे रही हैं। सिविल एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना बताते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पर्यटन और आर्थिक नजरिए से घरेलू उड़ानों को देखा गया, जिसका नतीजा है कि बीते सालों में कई एयरपोर्ट्स बने हैं।
मैं अभी झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि पूर्वोत्तर हिस्से में हूँ। ये देवघर का एयरपोर्ट है और यहाँ पर पिछले साल ही एयरपोर्ट बना है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज यानी कि उड़ान स्कीम के तहत बना हुआ एक एयरपोर्ट है। इसके आसपास जो जिले हैं जैसे दुमका है और जामताड़ा है और इन सबको कवर करने के लिए जो आसपास के 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में जिले हैं उनको कवर करने के लिए और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्से और बिहार के भी कुछ हिस्सों को कवर करने के लिए ये एयरपोर्ट बना है। और यहाँ पर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम भी यहाँ पर है, तो इन सब एक टूरिस्ट प्लेस को भी कैचअप करने के लिए इस एयरपोर्ट जो है ये बहुत ही महत्व रखता है। उड़ान योजना के तहत देश के कई पर्यटन और तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया है जिसमें खजुराहो, देवघर, अमृतसर, किशनगढ़ शामिल है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के पासीघाट, जीरो, तेजू में भी एयरपोर्ट बने हैं। इन इलाकों के लोगों के लिए एयरपोर्ट एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं जहां वे घूमने जाते हैं और फोटो खिंचवा कर इंजॉय करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सिराज अंसारी है, मैं यहाँ पे अपना फूफू का घर आया हुआ हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। तो मेरा मतलब फूफू का बेटा बोला कि चलो देवघर आते हैं, एयरपोर्ट अच्छा है, बना हुआ है, हाल ही में नया बना हुआ है, तो हम भी सोचे चलो, तो घूमने के लिए आए। यहाँ पे सुविधाएं हर तरह का अच्छा है। और एक बार हम पहले भी एक बार फ्लाइट लिए थे रांची टू चेन्नई का, तो वहां से जैसे कि हम लोग रांची गए थे, रांची बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता था, अभी यहाँ पे बन गया तो जैसे कि तकलीफ अब नहीं होगा, यहाँ पर नजदीक में ही है, सुविधाएं ज्यादा मिल जाएगा। रांची गए थे तो हम लोग वहाँ सुबह घर से 3 बजे निकले थे, 9 बजे का फ्लाइट था, और यहाँ पे अगर आएंगे तो 9 बजे का फ्लाइट रहेगा तो 7 बजे भी निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे। इसी तरह का सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे। इस तरीके के और भी एयरपोर्ट्स भारत के तमाम अलग अलग जो दूर सुदूर के हिस्से हैं वहां पर बन रहे हैं ताकि एयर कनेक्टिविटी सर्विस जो है वो आम लोगों तक भी उसकी पहुंच हो सके।